के से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रुको आता है करार जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। सुबह सुबह इतना गुस्सा सिस्टर रिलैक्स यार। चिल मैंने ब्लॉक कराया। तुम सही स्टेट में नहीं हो क्योंकि तुम उनको आइलैंड खरीदना है ना। डोंट बी स्पेंड मनी ऑन रबिश। बाय इट्स माय मनी। मैं कुछ भी चाहे करूं। नहीं श्रेया रिलैक्स ओके। मैं तुम्हारा भाई हूं एंड आई नीड द कैपिटल फॉर समथिंग। या बट मुझसे बिना पूछे हाउ कैन यू एक्सेस माय कार्ड। वेल तुम इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए था। वेल अनफॉर्चुनेटली फॉर यू एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी तुम्हें तो याद भी नहीं है ना उस रात तुम आई थी व्हेन यू वर सो ड्रंक। वाओ यू डोंट इवन रिमेंबर। आई हेट दैट। ओह ब्लडी लूजर एस्क मी और वो स्टूपिड रोहित। स्टूपिड एनिमल्स। डोंट वरी एनिमल्स है मेरे बीएमसी में कॉन्टैक्ट्स है। इन एनिमल्स को मैं केज करके ना आई सेंड देम टू अफ्रीका। Not even Africa. They deserve to be on the road. Yes. Deport them. I will deport them. बाहर फेंक दो इनको यहाँ से। Petition sign करना है? हाँ, I'll get the petition, okay? I hate them so. That bloody cheap Asmi. I love Rohit. I'll never forget. There you go. देखो अरे इधर आ। Come here, come here, come here. Look at this. I got the petition. यहाँ पे sign कर दो and I'll take them out of your life. Come. There you go. Yes. Keep going. Very good. I'm gonna chop off his everything. Yes, you are. Everything. So job. Do that. What the fuck, bhai? Don't worry. तुम मेरी baby sister हो. और technically सब मेरा है. And amongst all three siblings, जब भगवान दिमाग दे रहा था ना, you said I'm on a diet. Listen. You're in no condition to go live in a hotel. तुम यहाँ रह सकती हो क्योंकि technically you're broke. But that's how it's going to be. मुझे अकल पे लेक्चर देने वाले पहले अपने mental limitations पे फोकस करो आप। जो बिजनेस मेहनत से मोटा भाई ने इतने सालों से खड़ा किया ना वो आपने दो मिनटों में अपने बिम्बो गर्लफ्रेंड्स को ज्वेलरी और गिफ्ट खरीद के उड़ा दिया। मेरा बिजनेस पता है क्यों सर्वाइव कर गया? क्योंकि उसे मोटा भाई ने संभाला और संभाला नहीं प्रॉफिट भी दिलाया। You're right. शायद डाइट भी हूँ ये कह के मैंने ब्रेन नहीं लिया होगा पर आपने वहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस किया। पता है क्या था होगा कि माय लुक्स विल सफाइस मी राइट। आई माइट बी द डम वन इन द फैमिली भाई बट यू नो व्हाट यू आर अ फकिंग लीच। मोटा भाई के बिना ना आप कुछ भी नहीं हो। यू आर इनकॉम्पिटेंट। यू आर एब्सोल्युटली नथिंग विदाउट हिम। फक ऑफ इन योर हाउस। दिस इज माय हाउस आल्सो। लीगली तुम्हारा कुछ नहीं है सो फक ऑफ एंड गेट आउट। फक यू। ऋषि भाई ने बिजनेस घर सब कुछ अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। I don't know what to do। तुमने वो पेपर साइन क्यों किए? तुम सोच क्या रही थी? भाई, I was high। श्रेया, that's not done। तुमने फिर से? No। फिर से नहीं, ये पहले की बात है। Before, जब I was drunk, I don't know, पता नहीं कब उन्होंने पेपर साइन करवा लिए। श्रेया, इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना तो कानून ना मैं। श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑल ओके? कुछ ठीक नहीं है गौरवी। प्लीज तुम मोटा भाई को समझाओगी? तुम्हें पता है ऋषि भाई ने मेरे साथ क्या किया है? वैसे हमने बेस्ट इवेंट मैनेजिंग कंपनी को हायर किया है सो आई डोंट सी कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। सॉरी सर, अनुज आपसे दो मिनट बात करनी थी। एक मिनट, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। नो, इट्स अर्जेंट। इंपॉर्टेंट होगा, जाओ।
मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अनुज, श्रेया की कंडीशन जानते हुए भी तुमने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। वो साइन पहले के हैं अनुज, अब श्रेया एकदम क्लीन है और उस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। और उसे हेल्प ना करके ना तुमने वापस उसे उसी स्टेट पे जाने पे मजबूर कर दिया है। भूल गए, ऋषि ने तुमसे भी सिग्नेचर्स करवाए थे और फायर केस में फंसा दिया था, और तुम तो अपने होशो आवाज में थे। श्रेया तो फिर भी बच्ची है, और तुमसे बेटर ही कौन जान सकता है कि फैमिली से चीट होने पे कैसा लगता है। अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे ना तो मैं करूंगी। वैसे किस हक से तुम मेरी बहन की बात कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अब तुम सब प्रोफेशनल रखना चाहती थी। लीगली अभी भी मैं तुम्हारी वाइफ हूं और श्रेया की सिस्टर इन लॉ, तो मुझे नहीं पता, मैं बस उसको अपने साथ लेके जा रही हूं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? इट्स ओके श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। पानी के भी अ मोमेंट, टिश्यू ले लो। आई नो तुम्हें वाटरप्रूफ मस्कारा सूट नहीं करता, थोड़ा सा। श्रेया, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि एक टाइम पे हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। आई नो हमारी शादी वर्कआउट नहीं की, बट आई नेवर वांटेड टू सी यू दिस सैड और ब्रोकन। सी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट आई एम श्योर उसके सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। मैं बहुत बुरी हूं ना? नो, नॉट एट ऑल। I'm sorry. It's okay. It's okay, Shreya. It's not okay. तुमने तो सॉरी कहा ही नहीं। सिर्फ मेरी गलती थी क्या? थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी थी। Say sorry. अच्छा ठीक है। Sorry. श्रेया से कुछ पूछताछ करनी है, उन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? मेरा उस प्रॉपर्टी में लीगली कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरे भाई ऋषि ने अपने नाम कर लिया है, सारा एसेट, सब कुछ। वो स्टेटमेंट ले रहे हैं। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें यहाँ क्यों बुलाए? देखिए, डायमंड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा रैकेट है और श्रेया के नाम पे भी एक कंपनी है। सो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करना है कि उनकी डीलिंग्स कौन देखता है, लीड्स कहीं से भी जनरेट हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर हो गया तो प्लीज उन्हें भेज दीजिए। प्रशांत, हो गया ना? हाँ। जाने दो इनको। थैंक यू। ओके निकित, तुम उन्हें लेके जाओ, मैं जरा इंस्पेक्टर साहब से बात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। म्यूजिक बंद करो। डोंट वरी एवरीवन, आई हैव दिस अंडर कंट्रोल। आए जाला मामा, दारू आए, चाय पानी आए। चला ना मामा, जाऊं दिया। म्यूजिक बंद नहीं करने का, बस
अरे लो ना, कभी जिंदगी में ना बोले हो, लो। तू जानता मैं कौन हूँ? हाँ, ऋषि मेहता, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? राकेश के साथ डीलिंग और फ्रॉड केस में। राकेश के साथ मेरी पुरानी डीलिंग्स है, ये पुरानी बात है। उसके नए बिजनेस के साथ आई हैव नो कनेक्शन, मेरा लेना देना है ही नहीं। हम बताते हैं कैसे लेना देना है। श्रेया की कंपनी अनुज मेहता संभाल रहे थे, जो राकेश के साथ बिजनेस पार्टनर। हमें डाउट था कि श्रेया की कंपनी में डायमंड माफियाओं का पैसा इन्वॉल्व है, और वो कंपनी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारी जवाबदारी तो बनती है। और हाँ, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि श्रेया की कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तब तक तुम्हें राकेश के साथ जेल में रहना होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, वो कंपनी श्रेया की है। जब वो कोकेन के नशे में थी, मैंने उसका साइन लिया था और कंपनी को मेरे नाम पे किया था। एंड वो लड़की पागल है, वो सब पैसा बर्बाद कर रही थी। इफ आई न्यू कि मैं वो करता ही नहीं था। अच्छा, तो तुम मानते हो कि श्रेया ने खुद वो कंपनी तुम्हारे नाम नहीं की? इसका मतलब तुमने उसके साथ फ्रॉड किया। मिस्टर अनुज, आइए। ओ, तो ये है फ्रॉड। और ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज चीटिंग। चीटिंग तो है, लेकिन जेल तुम जा रहे हो, और वैसे भी फायर केस में तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मोटा भाई, आप अपने भाई के साथ ये करेंगे? जी, कर रहा हूं। जी, मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ मेरे लिए इमोशंस ही हैं, लेकिन श्रेया के साथ तुमने जो किया ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमको किसी के लिए इमोशंस ही हैं। रियली ट्रूली पथेटिक। थैंक यू मिस्टर अनुज मेहता, आपकी लीड की हेल्प की वजह से हम सही मुजरिम तक पहुंच पाए। योर सिस्टर इज फ्री नाउ, चलिए। ओम टच मी। थैंक यू मोटा भाई, आप अगर सपोर्ट नहीं करते, आई डोंट नो मैं कैसे सर्वाइव करती। एंड अनिकेत, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव बीन सो मीन टू यू, पर तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं कल डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगी, बट आई हैव वन कंडीशन, यू विल ऑलवेज हैव टू बी माय फ्रेंड। ऑफ कोर्स। And good luck with Deepti. Right. All the best. I'm so sorry. मैंने आपको जज किया। मिडिल क्लास लोग इतने भी बुरे नहीं होते। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से उन्हें जज नहीं करना चाहिए। सॉरी मोटा भाई, I'll go home now, okay? Come, I'll drop you on bike for old time's sake. Done. Gauri, I'm sorry अगर तुम्हें लगा कि मैं श्रेया के साथ थोड़ा हार्श था, और तुमसे वो हक वाली बात पूछ के मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था। मैं धो देती हूँ। अदरक कहाँ पे? मेरे को बोलो। अदरक? हाँ, किचन में होगी, मैं लेके आता। Can I hold on to you, Aniket? Yeah, of course you can. After all, we are friends, right? अच्छा, अगर दीप्ति ने हमें ऐसे देख लिया तो कुछ नहीं होगा श्रेया। She'll understand कि हम लोग अब अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्रेया, लोग देख रहे हैं। निकाल दो, अंदर कुछ मत देना। ठीक है, ओके। अब ठीक हो?
तुम कुर्ता उतारो। तुम एक कुर्ता उतारो, मैं दूसरी लेके आती हूँ। अनुज ये शर्ट ले लो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अरे वो कुर्ता मुझे दे दो। इस पे उल्टी लगी है, मैं साफ कर रहा हूँ। हाँ तो मेरी उल्टी है ना, मैं धो दूंगी, दो मुझे। अच्छा एक मिनट। हाँ थैंक यू। ये ले लो, बुक में लिखा है ये पी के अच्छा लगा। सो स्ट्रेंज ना, जैसे दोनों शादियां एक साथ स्टार्ट हुई थी वैसे ही एक साथ एंड भी हो रही है। चलता हूँ। एक सेकेंड, ये छाता लेडीज है पर बारिश को समझ नहीं आएगा। Thank you.